मध्य प्रदेश में बारिश का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग रोज मध्य प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए मानसून का अलर्ट जारी कर रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जा रहा है। एक बार फिर आज के मौसम का हाल आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। देखिये, मध्य प्रदेश में भले ही बीच बीच में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी हो, लेकिन मानसूनी बारिश फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट बारिश का जारी कर दिया है और ये एक या दो नहीं बल्कि कई जिलों के लिए जारी हुआ है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें टीकमगढ़, सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, सिवनी और अनूपपुर जिले शामिल हैं। इसके अलावा बाकी के मध्य प्रदेश की बात करें तो अधिकतर जगहों पर है ऑरेंज अलर्ट, यानी कि जहां पर हल्की से भारी बारिश हो सकती है। नीमच, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और हरदा वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश होगी। इसके अलावा पूरे महाकौशल और पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केवल हम बात करें मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग की और ग्वालियर चंबल संभाग की, तो यहां पर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि महाकौशल क्षेत्र में इस बार सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। खासतौर पर छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और बैतूल में भारी बारिश होती दिखाई दी है। इसके अलावा मालवांचल में सबसे कम बारिश अभी तक हुई है। पूरे सीजन की केवल 17% बारिश इंदौर और आसपास के इलाकों में देखने को मिली है। भोपाल में हालांकि आपको बता दें कि बारिश के चलते सभी डैम्स के गेट्स खोल दिए गए थे, लेकिन फिलहाल भोपाल में बादल तो हैं लेकिन मौसम साफ नजर आ रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मानसून की एक्टिविटी थोड़ी सी मध्य प्रदेश में धीमी पड़ी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे रिकरिंग मॉनसून की एक्टिविटी मध्य प्रदेश में बढ़ती दिखाई देगी, यानी कि जाते हुए मॉनसून की एक्टिविटी दिखाई देगी। मॉनसून जो है वो मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल के रास्ते होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर पलटेगा, तब मध्य प्रदेश में और भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हालात तो काबू में है, लेकिन फिर भी मोहन सरकार लगातार निगरानी रख रही है और वो तमाम जगह जहां पर बारिश से दिक्कतें हो रही है वहां पर समाधान और सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अगर आपके आसपास बारिश और बाढ़ का माहौल है, अगर आपको बाढ़ से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या फिर जल जमाव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रही है एमपी तक के साथ।